मंगलवार रात हुई हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। हालांकि हिंसा के बाद का जो मंजर अब सामने आ रहा है वो खौफनाक है। एक फेसबुक पोस्ट पर ये हिंसा भड़की और उपद्रवियों ने कार बाइक को आग के हवाले कर दिया। थाने में तोड़फोड़ की और कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर हमला किया। इस हिंसा के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। पुलिस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक नेता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नेता का नाम मुजम्मिल पाशा है। बेंगलुरु में तमाम कानूनी कार्रवाइयों के बीच कर्नाटक के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने येदियुरप्पा सरकार से उन्हें सुरक्षा देने की मांग की है। इससे पहले कर्नाटक सरकार के मंत्री सिटी रवि ने कहा कि बेंगलुरु की हिंसा सुनियोजित थी और हमारे पास कुछ संदिग्ध हैं जिसकी जांच कराई जा रही है। श्रीनिवास मूर्ति के आवास पर मंगलवार रात भीड़ ने हमला किया था और इस दौरान कई वाहनों में आगजनी की गई थी। इस घटना के बाद श्रीनिवास मूर्ति बुधवार को मीडिया के सामने आए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लेकर किए बयानबाजी पर शिवसेना नेता संजय राउत फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत के चचेरे भाई और बिहार में बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें 24 घंटे के अंदर माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर सुशांत का परिवार उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगा। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पटना पुलिस को ईमेल भेजकर शिकायत दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। मैं मुंबई पुलिस को 50 साल से जानता हूं। जो भी चीजें हो रही हैं और जो भी चर्चाएं की जा रही हैं वो सही नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किसी ने आत्महत्या कर ली लेकिन कोई किसानों की खुदकुशी की चर्चा नहीं कर रहा है। शरद पवार ने कहा कि इन सब चीजों के बाद भी अगर कोई सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग करता है तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट खेमे की वापसी के विरोध पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जवाब दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि जो एपिसोड हुआ है एक प्रकार से भूलो और माफ करो की स्थिति में रहें। सब मिलकर चलें क्योंकि प्रदेश वासियों ने विश्वास करके हमारी सरकार बनाई थी। हमारी सबकी जिम्मेदारी उस विश्वास को बनाए रखने और प्रदेश की सेवा करने की बनती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अब और बिगड़ गई है। आर्मी अस्पताल ने बताया है कि पूर्व राष्ट्रपति अब भी वेंटिलेटर पर हैं। इस बीच उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी के लिए दुआ करते हुए एक साल पुरानी बात को याद किया। शर्मिष्ठा ने ट्वीट में लिखा है कि पिछले साल 8 अगस्त का दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के दिनों में से एक था जब मेरे डैड को भारत रत्न मिला। अब एक साल बाद 10 अगस्त को वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। भगवान उनके लिए अच्छा करे और मुझे जिंदगी के सुख दुख स्वीकार करने की क्षमता दे। मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। जम्मू कश्मीर में बुधवार को सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने बारामूला के सोपोर के हमगाम इलाके में पेट्रोलिंग पार्टियों को निशाना बनाया। इस हमले में एक जवान के घायल होने की खबर है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने सेना सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त नाका पार्टी पर हमगाम में टाइम पास होटल के पास कुछ राउंड फायर किया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की लेकिन आतंकवादी मौके से भागने में सफल रहे। बिहार में सिस्टम पर चोट करने वाली एक और घटना सामने आई है। छपरा में बंगरा घाट महासेतु की अप्रोच रोड बाढ़ के पानी के चलते टूट गई थी। करीब 50 मीटर सड़क टूटी जिसे आनन फानन में ठीक किया गया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। 2 से अधिक जेसीबी मशीन और सैकड़ों मजदूर को मरम्मत के काम पर लगाया गया है। उद्घाटन से करीब 30 मिनट पहले सड़क की मरम्मत पूरी हुई। सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला सोमवार से ही जारी है। बुधवार को वायदा बाजार में सोना करीब 2374 रुपए टूट गया। इसके साथ ही सोना अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई से करीब 6636 रुपए टूटा और 50,000 से नीचे पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 5% तक टूटा है।
कुछ दिन पहले सोना 56,000 रुपए की ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन बुधवार की गिरावट के बाद एक बार फिर 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा लुढ़ककर 38,100 अंक के स्तर पर था। हालांकि थोड़ी रिकवरी के बावजूद कारोबार के अंत में सेंसेक्स 37 अंक की गिरावट के साथ 38,370 अंक पर रहा। इसी तरह निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई है और ये 11,305 अंक के स्तर पर रहा। इसी के साथ बाजार की चार दिन की तेजी पर भी ब्रेक लग गया है।